इंडिया की एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट असासिन हायर किए हैं और उस वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि असासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस जमन में $1,00,000 की अदायगी हो चुकी है और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के जरिए उन्होंने इंडियन के जरिए ये चीज रूट की है और शूटर जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस से सामने आया है उन रिकॉर्डिंग्स में हमें इलम है कि माजी में भी लाहौर में पुलिस के जरिए अपने सियासी मुखालिफीन को एलिमिनेट किया गया है। मैं जाती तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मरियम नवाज या कोई भी दूसरी शख्सियत इस पे कोई कादिर नहीं है लेकिन मैं मुतालबा करता हूं और हमारे तमाम दोस्त कोलीग्स रात को अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के साथ ये चीज डिस्कस हुई और ये फैसला हुआ कि आज हम मीडिया में ये चीज मीडिया के जरिए पाकिस्तानियों को बताएंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के निजामे अदल और जो लोग ये समझते हैं कि ये इल्जाम गलत है वो इसकी तफ्तीश की इजाजत दे दें और FIA इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम जो कॉन्ट्रैक्टर हायर हुआ है जिसने अदायगी की है जो बातें इनके बीच हुई हैं जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सब हम इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करने को तैयार हैं और मरियम बीबी से ये इस्तेदा करता हूँ कि मैं मेरा ख़ानदान हम हमेशा से अपने कबाइली दुश्मनियों का भी शिकार रहे हैं। मेरे वाले साहब मेरे दादा और नाना दोनों भाई थे कोई एक भी तिबी मौत नहीं मरा है लेकिन सिर्फ ये याद जरूर रखें कि अगर सियासत को आप इस नहज पे ले जा रहे हैं और जो ऐन आपसे मुतवक्की भी हैं इन आलात में और बेशक आपके पास इख्तियार भी हैं इख्तियार भी हैं दौलत भी हैं इदारे भी हैं और गुमंड भी होगा हुक्मरानी का लेकिन एक बात जरूर ज़ेहन नशीन रखें कि हमारे यहाँ दुश्मनियाँ बड़ी दूर दूर तक जाती हैं। मैं रहूँ या ना रहूँ यह दुश्मनी की आग जो है बहुत से लोगों को जला के राख कर देगी। थैंक यू सो मच। सर इसकी वजह क्या है आपको बदल करने के लिए क्यों उन्होंने ये तो आप उनसे पूछें। हमने इल्ज़ाम लगाए हैं एविडेंस हमारे पास है किसी को शक है FIA को तफ्तीश दे दें और इसके बाद FIA तफ्तीश कर ले। वो पैमाने पे नहीं अगर अभी हमने शेयर किया सारे लोग जो इसमें सस्पेक्ट्स हैं वो शायद फिर अपनी पकड़ाई नहीं देंगे लेकिन हम तफ्तीशी इदारों के साथ मुकम्मल था। अच्छा सर ये जिंदाल वही है जो सजन जिंदाल नवाज शरीफ के साथ वही जिंदाल साहब है वही जिंदाल साहब है वही और साउथ अफ्रीका से इसका क्या कनेक्शन है। साउथ अफ्रीका में और दुबई में एक नेटवर्क है वो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनके पास शूटर्स होते हैं दुनिया के इस रीजन की किसी भी इसमें ये ऑपरेशन कर सकते हैं तो लिहाजा उन्होंने ये एक इन लोगों को हायर किया है। और सिर्फ ये बात भी बता दूं रत्ती बराबर खौफ जो है किसी शूटर किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से नहीं है। जूती की नोक पे रखता हूं जिंदगी अल्लाह ने जितनी लिखी है उतनी है लेकिन जो लोग इस तरह सियासत में तशद्दुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं
पहले सड़क चाप गुंडों को मारा होगा, लेकिन अगर बड़ा शौक है दुश्मनी में दुश्मनी अर्न करने का, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि उधर आपने सड़क चाप गुंडों को मारा होगा, हमारे पास जिगरा है, मेरे कौम के पास भी जिगरा है, और इंशाल्लाह पठान जो है वो दुश्मनी में दुश्मन की कब्र की हड्डियों की राख भी नहीं छोड़ते। शुक्रिया। सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे? सिक्योरिटी मेरे कबीले की मेरे पास है, बाकी अल्लाह है और मैं हूँ।